दिल्ली सरकार दे देश दे मेंटर्स प्रोग्राम दे ब्रांड अंबेसडर सोनू सूद बन गए हैं। आज ही दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अते अदाकार सोनू सूद दी मुलाकात हुई, जिस तो बाद एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस नु संबोधित करदे हुए केजरीवाल ने सोनू सूद नु इस प्रोग्राम दा ब्रांड अंबेसडर बना दिता। दूजे पासे सोनू सूद ने भी इस मामले दे उते अपने वालों कुछ बयानबाजी की। आखिर की कुछ किया सोनू सूद ने, आओ तुहानू दिखाने आं। काल के मुझसे मिलने के लिए आए हैं, पूरे देश के लिए आज सोनू सूद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। देश भर में जब भी जहाँ भी कोई मुसीबत में होता है तो एक सोनू सूद जी को मैसेज या ट्विटर या कोई फ़ोन कॉल, या मुझे पता चला है हज़ारों लोग इनके घर पे रोज़ पहुँचते हैं, जो इनके पास जिस भी तरह की मदद, चाहे वो मेडिकल मदद हो, चाहे वो खाने की मदद हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की मदद हो, किस्म किस्म की मदद लेने के लिए पहुंचता है, उसको मदद मिलती है। ये अपने आप में एक अजूबा है, अपने आप में एक करिश्मा है कि जो इतनी सारी सरकारें नहीं कर पा रही वो आज सोनू सूद जी कर रहे हैं। तो अभी इनके साथ काफ़ी लंबी बातचीत हुई, हमने समझा इनके सारे जो काम, इन उसके ऊपर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, जो जो काम ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने कैसे बनाया, इतने रिसोर्सेज कैसे आए। हमने दिल्ली सरकार में जो अच्छे काम चल रहे हैं उसके बारे में भी सोनू सूद जी को हमने बताया। एक जो अच्छा डेवलपमेंट है कि जो हमारा दिल्ली में हम देश के मेंटोर्स नाम से कार्यक्रम अभी पायलट बेसिस पे चल रहा था, अब कुछ दिनों के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। मैं बहुत ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि जैसे जो खासकर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडेंस देने वाले लोग कम होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर करियर, उसे पता नहीं होता मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ, उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते। ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आइए, सामने आइए और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। तो उनसे आप लगातार फ़ोन पे बातचीत करते रहिए, उनको फ़ोन पे आप गाइड करते रहिए, बच्चे आपको फ़ोन कर करके पूछते रहेंगे। और कई बार बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, हमने देखा है कि इस वाले एज ग्रुप के अंदर सुइसाइड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं, तो अगर उनके साथ कोई है जिसके साथ वो मन हल्का कर लें तो वो बड़ा उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे देश भर के लोगों को कि वो भी मेंटोर बने। अब मैं सोनू सूद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो। थैंक यू सो मच अरविंद सर, मनीष सर, राघव भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के पे हूँ विजनरीज के साथ। मैं सर को विजनरी इसलिए बोलता हूँ कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिल्ली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो दिल्ली जैसी हो, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में किस लेवल का चेंजेस आया, एंड ऑल थैंक्स टू सर फॉर दैट। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, यू नो, लाखों माइग्रेंट्स के साथ, लोगों के साथ जुड़े, उनकी मेडिकल की प्रॉब्लम देखी, तो एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पहले लॉकडाउन में करीबन 2000 से 2200 बच्चों को हमने पढ़ाया और अभी करीबन 20,000 बच्चों को यू नो एस सू चैरिटी फाउंडेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा अरविंद सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं क्या करूं। कई बार हमारे जो अच्छी फैमिलीज़ के माँ बाप होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बताते हैं कि भैया आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, MBA कीजिए, कोई भी कीजिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं
जिनको बताने वाला कोई नहीं है, उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं कि आप करें क्या, दिशा कौन सी पकड़े। तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटोर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन तक पहुँचे। सो मुझे लगता है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का। हम हमेशा बोलते हैं कि यार मैं करना चाहता हूँ, पहले मैं कुछ बन जाऊँ, मैं उस लायक बन जाऊँ, फिर मैं कुछ करूँगा, मैं इस्टेब्लिश कर लूँ, मैं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करूँ, या मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं जाके मदद करने की कोशिश करूँगा। पर मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है देश के मेंटोर्स का, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी इंसान, चाहे वो अभी भी ज़िंदगी के वो पड़ाव चढ़ रहा है, अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक बच्चे का, दो बच्चों का, 10 बच्चों का मेंटोर बन सकता है, उसे बता सकता है कि आप लाइफ में क्या करें क्या ना करें। मरीज सर अभी मुझसे शेयर कर रहे थे, जो मैं बहुत अच्छे ढंग से रिलेट कर पा रहा था, कि हमें पता नहीं चलता कि हम किससे पूछें। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, जब 11-12 था तो उस समय दो ही प्रोफेशन होते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, तो इंजीनियरिंग करने चले गए हम लोग। लेकिन आज इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने ज़्यादा एवेन्यूज हैं, और इतने ज़्यादा रास्ते खुल गए हैं जहाँ पर लोगों को पता नहीं है, पर लोग जो इन रास्तों से ऑलरेडी गुजर चुके हैं या कुछ सफ़र तय कर चुके हैं, उन लोगों को मेंटोर बनने का बहुत बड़ा मौका है, बताने का बहुत बड़ा मौका है कि आप आए हाथ थामें। मेरे साथ करण भाई भी बैठे हुए हैं, मैं इनको पिछले 10-12 साल से जानता हूँ, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हमारी दोस्ती का एक अलग रास्ता इसलिए मिला क्योंकि हमने बोला कि चलो हम बच्चों का भविष्य बदलने की कोशिश करते हैं, उनको करने की, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आज हम हज़ारों बच्चों को पढ़ाए भी। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी लिसनर्स हैं या हमें सुन पा रहे हैं, आज आपको एक अच्छा काम करने का मौका दिया जा रहा है, देश का मेंटोर बनने का मौका मिला जा रहा है। हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि भैया यार हमारे लिए फलाना आदमी कुछ नहीं करता, हमारा ये हक बनता है, हमने वोट दिए, वो क्यों नहीं करते। मुझे लगता है शिकायत करना बहुत आसान है और खुद काम करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें दिशा नहीं बनती। आई थिंक आज दिल्ली सरकार ने ये प्लेटफॉर्म खोल के देश के मेंटोर्स का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, बल्कि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है देश के लिए कुछ करने का। सो बी ए पार्ट ऑफ इट, चुनिए उन बच्चों को। आज हर एक बच्चा, अगर आप एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं और उसे बना पाते हैं, सो आई थिंक उससे बड़ी देश भक्ति वाली कोई फीलिंग नहीं होगी, और उससे बड़ा देश को योगदान नहीं होगा अगर आप वो कर पाएँ। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और आई फील ब्लेस्ड कि आज अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद सर, मनीष सर एंड राघव भाई, कि दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं और हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक, लाखों स्टूडेंट्स तक पहुँच पाऊँ और उनके मेंटोर बनने की कोशिश कर पाएँ। सो आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल। बोलते हैं ना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा, सो आई थिंक वो समय आ गया है कि हमें सबके साथ में खड़े होना है और करके बताना है। बीएम गुरुजी वशीकरण स्पेशलिस्ट 21 साल की तपस्या से आपके सारे काम सिर्फ 11 घंटे में होंगे पूरे। बिजनेस में रुकावट, पति पत्नी में अंबर, लव मैरिज का मैटर या हो गर्लफ्रेंड का मैटर, जमीनी विवाद, विदेश यात्रा में रुकावट, अब हर मुश्किल का होगा समाधान। संपर्क कीजिए बीएम गुरुजी वशीकरण स्पेशलिस्ट से 6377-67679। संपर्क कीजिए इस नंबर पे और अपनी किसी भी मुश्किल का समाधान पाइए सिर्फ 11 घंटे में। बीएम गुरुजी।